हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरुण नागर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे सेगमेंट की जिसका नाम हमने रखा है बॉलीवुड हनी, जो बॉलीवुड के अनछुए और अनसुने किस्सों को आपके सामने टाइम टू टाइम पेश करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार से जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू से पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई एम अ प्राउड इंडियन, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, द मुस्लिम्स देयर आर मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस अनलाइक इन पाकिस्तान, आवर प्रेसिडेंट इज अ मुस्लिम एंड आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ सिख, पाकिस्तान वॉज मेड इन द नेम ऑफ इस्लाम बट लुक हाउ द मुस्लिम्स आर किलिंग मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक जाने माने सुपरस्टार एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के, जिनका नाम था जुल्फिकार अली शाह खान। नहीं पहचान पाए, चलिए मैं उनका एक अच्छा सा डायलॉग आपको सुना देता हूँ, शायद डायलॉग से आप पहचान जाए। हम अभी जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, फिरोज खान साहब की, जिनका असली नाम था जुल्फिकार अली शाह खान। अफगानिस्तान मूल के उनके पिता थे और ईरानी मूल की उनकी माता शेख। इनका जन्म हुआ था बेंगलोर में। 60s के दशक में फिरोज खान साहब ने एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर एक्ट करना स्टार्ट किया था, जिनमें आरजू, ऊंचे लोग, आदमी और इंसान और सफ़र जैसी फिल्मों का नाम प्रमुख है। लेकिन 70s के दशक में उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी, जिनमें पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी वो थी अपराध। अपराध फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई, जिससे उनका हौसला और बढ़ गया। फिर इन्होंने प्लान किया धर्मात्मा फिल्म बनाने का। धर्मात्मा पहली फिल्म थी जो अफगानिस्तान में जाके इन्होंने शूट की थी। हिंदी सिनेमा की ऐसी पहली फिल्म थी जो अफगानिस्तान में जाके शूट हुई थी। धर्मात्मा उस टाइम की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जो हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर की रीमेक कही जाती है। इसके बाद फिरोज खान साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो है कुर्बानी। कुर्बानी फिल्म के बहुत रोचक किस्से मशहूर हैं दोस्तों। सबसे पहले वो फिल्म फिरोज खान साहब ने ऑफर की थी हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार यानी कि अमिताभ बच्चन साहब को। बच्चन साहब को फिल्म अच्छी लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई 6 महीने तक मेरे पास डेट्स नहीं है, तो अगर 6 महीने आप इंतज़ार कर सकते हो तो मैं फिल्म ज़रूर करूँगा। लेकिन फिरोज खान साहब तो अपने पिनक में रहते थे, अपने स्टाइल में रहते थे, कावबॉय कहे जाने वाले स्टाइलिश हीरो थे और अपने ही मनमर्जी के काम वो करते थे। तो उन्होंने बच्चन साहब का वेट नहीं किया और सीधी बात की एक दूसरे सुपरस्टार यानी कि विनोद खन्ना साहब से। विनोद खन्ना साहब ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी थी कि बॉम्बे टेरिटरी जो कही जाती है, बॉम्बे और गुजरात की जो टेरिटरी है, उससे जो इनकम आएगी वो विनोद खन्ना साहब खुद रखेंगे। अगर ये शर्त आपको मंजूर हो तो मैं फिल्म करने को राजी हूँ। बड़े दिल वाले कहे जाने वाले फिरोज खान साहब ने तुरंत हाँ कर दी और इस तरह से शुरू हुई फिल्म कुर्बानी की शूटिंग। कुर्बानी फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि नोट गिनने के लिए फिरोज खान साहब के बेंगलोर वाले बंगले में नोट गिनने के लिए मशीन रखी गई थी, इतनी कमाई की थी उनकी फिल्म कुर्बानी ने। जी हाँ, कुर्बानी का एक बहुत अच्छा दिलचस्प किस्सा मुझे याद आ रहा है शक्ति कपूर साहब को लेकर। उनके साथ मैं एक फिल्म भी कर चुका हूँ भूरी। शक्ति कपूर साहब जब बताते हैं कि भाई उस फिल्म में उन्होंने कैसे कास्ट किया, शक्ति कपूर भी अपने एक स्टाइलिश एक्टर थे उस ज़माने के, फिएट कार लेके चलते थे और इत्तेफाकन एक रोड एक्सीडेंट उनकी गाड़ी से फिरोज खान साहब की मर्सिडीज का हो गया। शक्ति कपूर अपने पिनक में निकले कि भाई पीटने के लिए, समझ लो पीटने के लिए निकले, और बाहर जाके जब उन्होंने देखा कर फिरोज खान साहब है तो सीधे पैरों में पड़ गए कि साहब गलती होगी, माफ़ करो, मैं छोटा मोटा एक्टर हूँ, शक्ति कपूर मेरा नाम है और मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इस तरह कह के फिरोज खान साहब ने ठीक है इग्नोर कर दे, ओके नो प्रॉब्लम गो। शक्ति कपूर साहब अपने घर आ गए, फिरोज खान साहब अपने घर चले गए। शक्ति कपूर ने के शुक्ला साहब से रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे फिरोज खान साहब की प्रोडक्शन हाउस में काम दिलवाओ। के शुक्ला ने कहा यार मैं प्लान तो कर रहा था तुझे एक कैरेक्टर दिलाने का, विक्रम नाम का कैरेक्टर है कुर्बानी फिल्म में, लेकिन यार अब मैं दिला नहीं पाऊंगा तुझे। शक्ति साहब निराश हुए, उन्होंने पूछा भाई क्यों क्यों नहीं दिला पाओगे। शुक्ला साहब बोले कि भाई जो कैरेक्टर मैं तुम्हें दिलाने के लिए सोच रहा था वो फिरोज खान साहब का आज किसी लड़के के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था
और फिरोज खान साहब ने मुझसे कहा है कि भाई विक्रम का कैरेक्टर हम उसी लड़के को देंगे जिसने मेरी गाड़ी ठोकी है, अब तुम जाओ और उस बंदे को ढूंढ के लाओ कि वो लड़का कौन है। तो भाई आई एम सॉरी, मैं वो कैरेक्टर तुम्हें नहीं दिला पाऊंगा। ये सुनते ही शक्ति कपूर साहब की आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि यार वो इंसान मैं ही हूँ, आज मेरी ही गाड़ी से फिरोज खान साहब की गाड़ी टकरा गई। शुक्ला साहब ने शक्ति कपूर को उनसे मिलवाया, उन्होंने फिल्म के लिए शक्ति कपूर साहब को फाइनल किया। तो ऐसे थे हमारे फिरोज खान साहब, जो एक फलदार वृक्ष थे जो पत्थर मारने वाले को भी मीठा फल देते। कुर्बानी फिल्म रिलीज हुई, सारे रिकॉर्ड्स इस फिल्म में तोड़े थे और आज भी हिंदी सिनेमा की अगर बेहतरीन फिल्मों का नाम लिया जाता है तो वो कुर्बानी उनमें से एक है। तो एक किस्सा मुझे और याद आता है इस कुर्बानी फिल्म का। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें जीनत अमान जी बिकनी पहन के आती हैं। सेंसर वालों को इस सीन से कुछ एतराज़ था कि भाई अगर या तो इस सीन को काटो, अदरवाइज हम इसको यूज़ सर्टिफिकेट नहीं देंगे। फिरोज खान साहब अड़ गए कि भाई मैं इस फिल्म को यूज़ सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज़ करना चाहता हूँ। इधर सेंसर वाले अड़ गए, इधर फिरोज खान साहब अड़ गए। खैर उन्होंने सीधे दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी और दिल्ली से उन्होंने इस फिल्म को सेंसर करा के यूज़ सर्टिफिकेट हासिल किया और रिलीज़ से 3 दिन पहले ही उन्हें सर्टिफिकेट मिला था और फिर फिल्म को रिलीज़ किया यू सर्टिफिकेट के साथ। और फिल्म ने, बाकी तो हिस्ट्री है सर, कि किस तरीके से इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। तो इस तरीके थे हमारे जाने माने सुपरस्टार फिरोज खान साहब, जो कभी स्ट्रगल में विश्वास नहीं रखते थे। जब उन्होंने देखा कि हर फिल्म के ऑफ़र मुझे सिर्फ साइड हीरो के आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद की फिल्में बनाने का फ़ैसला किया था और एक कामयाब प्रोड्यूसर एक्टर डायरेक्टर के रूप में बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम उन्होंने हासिल किया था। इसी तरीके से उन्होंने लॉन्च किया था अपने बेटे फरदीन खान को प्रेम मगन के जरिए, एक स्टाइलिश फिल्म बना के उन्होंने फरदीन को लॉन्च किया था और धुआंधार उस फिल्म ने हर जगह वाहवाही उस फिल्म ने बटोरी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेके आएंगे एक और अच्छा सेगमेंट, एक और अच्छी कहानी बॉलीवुड से, एक अनछुही एक अनसुनी। बॉलीवुड हनी के इस सेगमेंट में आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। शुक्रिया दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण नागर आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।